माइयों से कि जो एक जो मैं कहता हूँ मेरे अंदर काश ये एक सलाहियत आ जाती ना कमाल का। मैं ज़रा मुँह फट आदमी हूँ, ये थोड़ा तेज़ आदमी है इस मामले में, बोलता नहीं है, मगर जो इसका कमाल है जो सबसे बड़ा है, मैंने इसके मुँह से किसी की बुराई नहीं सुनी आज तक। शायद मैं कर दूँ, जो गलत होगा गलत सही होगा सही, मैं कह सकता हूँ ये मेरे अंदर ये है बात, मगर ये गलत को भी अगर आप सह जाएं और चुप रहे, बड़ी बात होती है, बड़ी बात तो बड़ी बात होती है। होती मैं एक वाकया सुनाता हूँ, शायद हमाइयों को याद भी ना हो। मैं हंसी मजाक करता रहता हूँ, प्रैंक करता रहता हूँ, नए लोगों के साथ भी मजाक कर लूँगा। ये अपने ऑफिस के लिए जगह ढूंढ रहे थे और मैं मिलने के लिए इसके घर गया। वहाँ एक रियल एस्टेट वाला बंदा आया, बता, तो मैंने उसके साथ कोई मजाक किया और वो दोनों बड़ा सीरियस था, ये भी सीरियस बात कर रहे थे। तो उसने कुछ ऐसी बात की जो मैं इतना ऑफेंड नहीं हुआ, ये इसको लगा कि यार, अच्छा मुझे एहसास भी नहीं हुआ कि ये इसको बात बुरी लगी है। इसने कहा यार कोई बात नहीं यार, मजाक कर रहा था वो। बड़े आराम से ये उसको दरवाजे तक ले गया, एंड ही किक्ड हिम आउट फ्रॉम हिज होम। हाउ डेयर यू स्पीक टू माई फ्रेंड लाइक दिस। तो मैं उस वक्त थोड़ा सा, ना कर मेरे भाई, रुलाएगा क्या, वो वाली सिचुएशन हो गई थी। तो बट उससे बड़ी, उससे फ़ायदा क्या हुआ, दोस्ती और बड़ी पुख्ता हुई कि यार ही टुक स्टैंड फॉर मी एंड फॉर द रीज़न दैट आई वॉज जोकिंग विद दैट पर्सन। तो इस वजह से तो ये बहुत बड़ी बात होती है। असल में टाइम आप साथ गुजारते हैं ना, तो जब उसमें अच्छा बुरा आपकी गलतियां भी होती हैं हर एक में, आपको वो भी पता चल जाती है, ये भी पता चल जाता है किस हद तक ये बुरा है या उसकी अच्छाइयाँ ज़्यादा हैं। सही बात है। और दोस्ती में तो खैर आप बुराई भी यू नो बर्दाश्त कर लेते हैं कि यार दोस्त है जैसा भी है। वफा के शहर में कहते वफा है शायर, हज़ार दोस्त मिले एक दोस्ती ना मिली। तो जब एक दोस्ती मिलती है ना, तो उसकी बड़ी बड़ी कदर करनी चाहिए। तो मेरी इंडस्ट्री में कुछ ज़्यादा इतने दोस्त हैं नहीं, मिलने वाले बहुत हैं, दोस्त एक आकी एक आती होगा और कुछ नहीं। आप इनके फैन होते थे, आप कह रहे थे कब का? मगर मैं आपको ये बता दूं, जितना ये मासूम है उतना है। अब मैं दूसरी तरफ आ रहा हूँ, ये दोबारा है, ये चेंज हुआ। ये हमारी माशाल्लाह बड़े इस मामले में पक्के हैं। ऑफ जब होगा कैमरा तो कुछ भी कह देंगे, जहाँ कैमरा ऑन होगा नहीं भाई। नहीं तो अभी आपने कहा ना कि ये, देखिए मैंने क्या कहा था, बात हो रही थी नहीं कहा था ये कब आया और मैं कब आया, मैं कब, मैं 96 में और ये 91 की एंड में इनका पहला लॉन्ग प्ले। हाँ एंड तो मैंने कहा मैं तो जब आया हूँ, जब मैं इन सबका फैन होता था। नहीं तो जब मैं इन सबका नहीं बोला मैंने, कट नहीं 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 कट 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 मैं इनका इसका फैन था। हाँ ये ज्यादा हो गया, हाँ ये ज्यादा हो गया, ठीक है मैं इसका फैन था, ज्यादा हो गया, मैं इन सबका फैन था। नहीं लेकिन इसने खुद बोला ना कि वो, हाँ भाई बड़ी बात है तो हमारे फैन थे। फिर मैंने मतलब इसको खुद ही नहीं यकीन आया ना कि मैंने ऐसी इतनी बड़ी बात स्टेटमेंट कैसे दे दिया, ये कैसे दे दिया इसको भी नहीं आया था। नहीं 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 ट्रू फ्रेंड नहीं, इसको खुद नहीं, मुझे खुद नहीं अंदाजा हुआ कि ये बात कर सकता है, मुझे भी नहीं यकीन आया। लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों, पीटीवी चलता था सिर्फ, तो आप जो भी टीवी में आता था आप सबके, आपको सब अच्छे लगते थे? नहीं मुझे तो और सब तो नहीं अच्छे लगते थे, मुझे नहीं, मुझे अच्छे लगते थे सब। तो देखे ये है कमाल इसका। अच्छा खैर इम्पोर्टेंट अभी है कि मैं ये कह रहा हूँ कि मैं आज फैन हूँ इसका, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है। अच्छा ये बताएं पहला ड्रामा दोनों ने साथ कौन सा किया भाई? वाह इम्पोर्टेंट बात ये कि मैं आज इसका फैन हूँ, ये स्टेटमेंट है भाई यार, तो अपनी तरफ से खलील रहमान कमर बन रहे हैं। इम्पोर्टेंट ये है कि अच्छा एक मैं बड़ी मजेदार बात बताता हूँ, जैसे मुझे ये तो पता था कि अदनान सिद्दीकी एक्टर हैं और बहुत अच्छे हैं और गुड लुकिंग आदमी है, सब कुछ है, मॉडल हैं, ये और एजाज दोनों एक मॉडल थे उस वक्त, और फिर उसके बाद इन्होंने एक काम किया। मैंने
जैसे मैंने एजाज वाला ड्रामा देखा, मैंने उरूसा देखा नहीं था ओके आज भी नहीं देखा हुआ ओके मतलब जाहिर मिस किया हुआ लेकिन लेकिन ऐसा नहीं कि मतलब मुझे सब अच्छे लगते थे ये दोनों एजाज भी ये भी फिर मैंने एजाज को शामिल किया मतलब ये मुझे अच्छे लगते थे भाई फैसल भी अच्छा लगता था क्यों नहीं फहद मुस्तफा नहीं अच्छे फहद मुस्तफा मुझसे पहले नहीं आया मेरे बाद आया फहद आया 2011 में फैसल तो हम सबसे पहले आया 11 कह रहा हूं 1 में फैसल तो हम सबसे सीनियर हां फैसल जो है वो तो बचपन से काम कर रहा है आई थिंक 89 में शायद मिर्ज़ा इंसान्स था एक ड्रामा था जिसके अंदर वो बहुत सारे बच्चे उस घर में अनवर मकसूद साहब का लिखा हुआ था तो उसमें मैंने सबसे पहली दफ़ा मैंने देखा था बात अगर ये कोई फैसल कुरैशी वो बूटा टो क्या बूटा सिंह क्या नहीं टोप बूटा नहीं वो तो उस वक्त का था नहीं मगर बूटा फ्रॉम टोपा टेक सिंह हाँ बूटा तो टोपा टेक सिंह पुराना नहीं था पुराना नहीं मगर मैंने रिकॉल मेरा क्या हुआ मैंने कहा ये आई एम वेरी गुड विद फेसेस मैं इस लड़के को मैंने किसी फिल्म मैंने देखा हुआ है इसको मतलब मैं अपनी क्लास फेलो को जो क्लास 3 में थी टाइम स्क्वायर पे मिलता हूँ 4 बजे का वक्त और मैं उनको रोकता हूँ और मैं कहता हूँ अगर इसने ये पहचान नाम होगा इसका तो ये मुड़ेगी मैं कहा शाजिया तो वो मुड़ गई और वो मुझे पहचान गई उस वक्त वो नहीं पहचानी मगर मैं पहचान गई वो लॉयर बन चुकी है माशाल्लाह शादी हो चुकी है बच्चे हैं नहीं नहीं शी इन्वाइटेड मी तो मैं उसको अगर तो जो भी हो पहचान जाए और सॉरी बात आप कंटिन्यू करें आगे मतलब लड़की नहीं मेरी क्लास में शाजिया बट आई यू रिमेंबर इतना क्लियरली क्लास 3 मतलब क्लास 3 10 साल पहले लोगों को जिनको देखा वो याद नहीं रहता आपको क्लास 3 याद है वाओ बट फर्स्ट ड्रामा जो आप दोनों ने साथ किया वो कौन सा था एंड हाउ वाज द एक्सपीरियंस मैं बात सच गई थी मैं किसी को भी पहचान जाऊंगा लड़की कोई भी हो तुम तो अंधे हो जाते हो है ना ये वापस आ रही है कौन है कौन है भाई कौन है मैं तो जानता भी नहीं आपको बहन बाजी सवाल क्या था आपका नहीं मैं सवाल चेंज कर रही हूँ मुझे ये बताएं सवाल था कि मैं पूछ रही थी पहला ड्रामा कौन सा था मेहंदी था मेहंदी किया था हाउ वाज इट वर्किंग विद ईच अदर एंड दोस्ती कब पक्की हुई किस पॉइंट पे लगा कि यार ये लाइक व्हाट पॉइंट इन टाइम या किस चीज से आप लोगों ने एक दूसरे की इंपॉर्टेंस हमारा जो केप टाउन में हमारा जो जिसमें तुमने अपनी गलती मानी है कि मैं गलत था अमेरिका वाला पहले था और क्या है नहीं यार वो अमेरिका वाला पहले था तो वहाँ एक कनेक्शन हो गया था वहाँ एक हमने एक साहब की पूरी कहानी सुनी और उन्होंने पूरी कहानी सुनाई कि ये इस पर भी ड्रामा बना ना तू ये पूरी कहानी सुनाई एक बेवफा औरत की कहानी तो मैंने उसके बाद पूछा उनसे 8-10 दिन हम साथ रहे थे तो नहीं ये बात तो ख़त्म करने दो ना उसके बाद मैंने पूछा ड्रामे का नाम क्या होगा मगर ड्रामे का नाम आप देखें कितना क्रिएटिव है उन्होंने बताया हाँ मर्द की बदुआ उनके दिल से निकली उनके दिल से ये बात निकली थी तो बनाया था आप लोगों ने मस्तूरी में बनाई कभी नहीं उनका नया नया दिल टूटा हुआ था उनके साथ किसी ने डिच करा दिया तो वो फुल रोने वाले मूड में थे और स्टोरी जो है वो बढ़िया हमने सुनी लेकिन एक साथ कर हमें तो इसके नाम के ऊपर ऐसे डिस्कशन करना भी एक फन होता है दोस्तों में नहीं कि सुन ली फिर वो जब चले गए फिर जो हमने उनके मुंह पे भी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से सामने हंस रहे तो सामने हंस रहे क्या